हेलो भाई जी, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विजय। रूल का इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। इसकी भी लिस्टिंग निराशाजनक रही। जितनी इसकी कीमतें चल रही थी उससे कहीं ज्यादा डिस्काउंट होकर के इसकी लिस्टिंग हुई है। आज की तारीख में इसकी जीएमपी 174.47 पर जैसे चल रही थी और अनलिस्टेड मार्केट में 645 पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग मिली है 123.40% प्रीमियम के साथ 525 पर इसकी लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद इसने लोअर सर्किल लगाया है, तो जाहिर सी बात है 80% चांस है कि अगेन नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को भी इसमें लोअर सर्किल लगने वाला है। 525 पर लिस्ट हुआ 123.40% प्रीमियम के साथ और लोअर सर्किल लगाया है। इसकी जीएमपी आज की तारीख में 174.47% चल रही थी। इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा हुआ था, 676.83 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आज दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग थी, दोनों की लिस्टिंग काफी ज्यादा निराशाजनक हुई है। बहुत ज्यादा जीएमपी में डिस्काउंट होकर के लिस्टिंग मिली है। 676.83 गुना का सब्सक्रिप्शन था। एंड इसकी बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है बहुत अच्छा बिजनेस करती है। 2013 की स्थापित कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल एंड फायर फाइटिंग सोल्यूशन प्रदान करती है। ये कई तरीके की सर्विस ऑफर करती है अपने क्लाइंट को, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल पैनल, सोलर ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी इलेक्ट्रिकल वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल इंडस्ट्रियल सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डेटा एंड वॉइस केबलिंग इंस्टॉलेशन इत्यादि की ये सर्विस प्रदान करती है। इसका जो मुख्य क्लाइंट आते हैं वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल रिटेल से आते हैं एंड इसके पास क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है। 100% रेवेन्यू अपने टर्नकी प्रोजेक्ट से बनाती है जिसमें मटेरियल एंड लेबर होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विस होती है। ये अपने बिजनेस को कई सेक्टर में डिवाइड कर रखा है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्विस, फायर फाइटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम सर्विस, सीसीटीवी सिस्टम सर्विस, आईटी एंड नेटवर्किंग सर्विस, सोलर सिस्टम सर्विस। तो इसकी बिजनेस है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। 553.72 लाख प्रॉफिट को ग्रो करके 565.77 लाख को ले गया। लगभग 10 गुना से भी ज्यादा का ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिला। तो बिजनेस अच्छा होने के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा थी, जीएमपी भी बहुत अच्छा चल रही थी, सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा हुआ था, इसका क्लाइंट बेस भी बहुत ही मजबूत है। डीमार्ट, ओबराय होटल्स, रिलायंस रिटेल, रेडिसन ग्रुप, रेडिसन ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। मास्टेक, इंडो स्पेस, आइनॉक्स जैसी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है, सारा कुछ डेटा पॉजिटिव दिख रहा था, फिर भी इसकी जो लिस्टिंग मिली है काफी जीएमपी का डिस्काउंट होकर के लिस्टिंग मिली है। इसकी जीएमपी 174.47% चल रही थी, लिस्टिंग 123.40% प्रीमियम के साथ 525 पर लिस्ट हुआ एंड इसमें लोअर सर्किट लगा चुका है। अभी 498.75 पर ट्रेड करी है, तो जिस पॉइंट पर ट्रेड करी है उस पॉइंट से हम लोग 15% का रिस्क लेंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रही है 423.25 का लेवल निकल के आ रही है, 23, 24, 25 ये सारा लेवल निकल के आ रही है। तो 420 से 25 के रेंज में, इस रेंज के नीचे अगर किसी भी वजह से ट्रेड करना स्टार्ट करके कोशिश करें आउट होने का, क्योंकि लोअर सर्किट लगा है, नेक्स्ट डे भी लोअर सर्किट लगाने का चांस है। अगर इसी तरह से लोअर सर्किट लगाते जाएगा तो फिर हमें निकलने का मौका नहीं देगा। लोअर सर्किट में लोअर सर्किट हो या फिर अपर सर्किट, बायर्स नहीं मिलते हैं। अपर सर्किट लगता है तब तो टेंशन की बात नहीं होती है, लोअर सर्किट लगाने लगता है तो टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को ये खत्म करते जाता है, प्रॉफिट यहाँ पर कम होते जाता है या फिर लॉस बढ़ते जाता है, तो लोअर सर्किट में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें अगर किसी भी वजह से 420 425 के नीचे ट्रेड करना, 425 से 20 के नीचे, इस रेंज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें तो इस लेवल से आउट होने का। आई थिंक सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन जय हिंद।